सुशांत सिंह राजपूत केस में कॉमेडी सर्कस चल रहा है और वो भी महाराष्ट्र सरकार में। इस तरह का ट्वीट जो है वो नितेश राणे ने किया है। क्या कहना है उनका, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। नितेश राणे ने लिखा, नो ऑफिशियल रिपोर्ट फ्रॉम एम्स येट, नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम सीबीआई येट। सम यूनिवर्सिटी रिलीजेज रिपोर्ट विच मिनिस्टर आर शोइंग अराउंड, फॉर नाउ जस्ट एंजॉय द कॉमेडी सर्कस हैपनिंग इन महाराष्ट्र फॉर फ्री, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो उनका ये कहना है कि किसी की भी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में कुछ मिनिस्टर जो हैं किसी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को जो है एक दूसरे को दिखाकर खुश हो रहे हैं। और इस तरह का जो है महाराष्ट्र में कॉमेडी सर्कस चल रहा है और वो भी फ्री में, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जाहिर सी बात है अभी सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आई है, फाइनल रिपोर्ट, और सीबीआई जो है दूसरे राउंड के लिए वापस मुंबई आई है और वो फिर से जो है इस पूरे केस की जांच जो है आगे बढ़ाने वाली है। वहीं नितेश राणे ने ये भी दावा किया था कि उनके पास उस आई विटनेस का नाम है जिसके बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। रोहन राय वाली बात भी उन्होंने कही थी, वो खुद भी जो है उन्होंने कहा था कि मैं सीबीआई में जाऊंगा और जाकर खुद ही बयान देकर आऊंगा कि मेरे पास क्या क्या जानकारी है। तो जाहिर सी बात है कि अब सीबीआई मुंबई में आई है तो वो 13 तारीख के आई विटनेस को भी बुलाने वाली है जिसने सुशांत और रिया को साथ में देखा था। ऐसे में नितेश राणे भी जाने वाले हैं सीबीआई के पास और सारी जानकारी सीबीआई के साथ शेयर करने वाले हैं। और इसीलिए उन्होंने लिखा है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो जाहिर सी बात है उनका इशारा इसी और है कि अभी जो है किसी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई और अभी बहुत कुछ हो सकता है, और नितेश राणे इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि वो खुद सामने से होकर सीबीआई के पास जाएंगे और अपना बयान जो है वो दर्ज करवा कर आएंगे।